राज्यसभा रे महिला संरक्षण बिल ने आलोचना बिल को बीजेडी रा समर्थन आलोचन रे भाग नहीं राज्यसभा सांसद मानस रंजन मंगराज कहते 1992 मसीह प्रभात पुरुष बिजु पटनायक पंचायत स्तर में महिला 33% स्थान संरक्षण पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अनुपात को 50% को बढ़ाई थे 2012 नवीन पटनायक पौर संस्था एवं एनएससी रे महिला 50% स्थान संरक्षण करते मुख्यमंत्री सर्वदा विश्वास करती महिला सशक्तिकरण बिना कौनसी समाज राज्य किंबा राष्ट्र विकास हो पार ना बोली सांसद संसद में भी एक बिल लगी बीजेडी सांसद माने दावी कर 2018 बीजेडी प्रतिनिधि दल 22 दल को भेटी एक बिल पारित करने समर्थन लोड़ी थे महिला संरक्षण क्षेत्र में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एक बड़ विजय बोली सांसद मानस रंजन मंगराज आज बीजेडी सांसद सुजित कुमार सुलता देवों समेत अन्यान्य दल सांसद माने राज्यसभा निजर मत रखी गतकाली लोकसभा बिल सपक्ष में 454 खंड भोट पड़ता बेले बिल विरोध में पड़ा मात्र 2 भोट आई सपोर्ट दिस बिल प्लीज कंटिन्यू मैं मेरा मातृभाषा उड़िया में बोलने के लिए चाहता हूं सर यस बीजेडी सब बेले साधारण जनजीवन तथा समाज रो समस्त क्षेत्र रे महिला सशक्तिकरण दिगरे सर्वदा कार्य करी आसु छी 1992 मसीह रे ओडिसा रो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बिजु पटनायक एक ऐतिहासिक निष्पत्ति क्रमे ओडिशार पंचायत राज अनुष्ठान मानक महिला 33% संरक्षण व्यवस्था करते सर 2011 पु तथा बीजेडी सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ओडिशार पंचायत राज अनुष्ठान मानक महिला संरक्षण सीमा को 50% को वृद्धि कर 2012 श्री नवीन पटनायक पौर संस्था म्युनिसिपालिटी एवं एनएससी एवं महानगर निगम महिला 50% संरक्षण व्यवस्था मध्य करिसंती यह पुनर्बार महिला सशक्तिकरण एवं विशेषकर साधारण जीवन में सेमानकर अंशग्रहण पर बीजेडी प्रतिबद्धता को प्रतिपादन करूछि सर माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक सबुबले विश्वास करती जे महिला सशक्तिकरण बिना कौन समाज राज्य किंबा राष्ट्र विकास हो पारना तेणु 2018 मसीह माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक नेतृत्व में विजु जनता दल लोकसभा तथा राज्यसभा महिला मानू 33% संरक्षण जगैवापी ओडिशा विधानसभा सर्वसम्मति क्रमे एक संकल्प पारित करते सर डिसेंबर 2018 मसीह माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक दलर वरिष्ठ नेता नेतृत्व में 22 जन बीजेडी प्रतिनिधि को 7 जातीय दल समेत भारत 22 प्रमुख राजनीतिक दल निकट को पठाई थे प्रतिनिधि माने माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक तरफ से ही संपृक्त राजनीतिक दल मुख्य मान भेटी दीर्घ दिन संसद में पड़ रही महिला संरक्षण बिल को पास करने को सहमति जुटाई थे मैम लोकसभा निर्वाचन समय रे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक लोकसभा निर्वाचन में दल महिला प्रार्थी 33% संरक्षण व्यवस्था प्रदान कर 2019 लोकसभा निर्वाचन में बीजेडी द्वारा 7 जन महिला प्रार्थी रही थे जो 5 जन महिला प्रार्थी जीति थे से माने आस्का भद्रक जाजपुर जगत सिंहपुर केन्दुझर सांसद अच्छा मैम वयस्क महिला प्रार्थी भाव आस्कार सांसद श्रीमती महिला प्रमिला विशोई एवं सर्वकनिष्ठ सांसद भाव केन्दुझर श्रीमती चंद्राणी मुर्मू रही मैडम माननीय मुख्यमंत्री दीर्घ वर्ष धरी संसद में महिला संरक्षण बिल पारित होगा निश्चित करने को लंबा युद्ध लड़ी आसुंट संसद में महिला संरक्षण बिल पास करने को बीजेडी सांसद माने बारंबार दाबी उठाई आसुंट माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक विभिन्न प्लेटफॉर्म रे एकाधिक चिट्ठी एवं दाबी मध्यम क्रमागत भाव में महिला संरक्षण बिल पास करार आवश्यकता संक्रांत में बुझाई आसी अच्छा संसद में पारित होगा महिला संरक्षण बिल आने को केन्द्र कैबिनेट अनुमोदन माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक एक बड़ा विजय आपका समय कारण महिला संरक्षण बिल पास निश्चित करने को श्री पटनायक दीर्घ दिन संग्राम जारी रखिंट मैम एक मिनिट यह ओडिशा एवं भारत महिला मानी एक विजय महिला संरक्षण बिल को संसद में पारित करने विजु जनता दल निरंतर प्रयास एक विजय अटे यह आउ एक सुजोग जितेबले माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक कठिन परिश्रम एवं निरंतर प्रयास ओडिशा तथा देश में महिला मैंने बृहत सशक्तिकरण सुफल पाइबाक जाउछन्ति लास्ट मंथ सर व्वेन विक्रम लैंडेड इन द साउथ पोल ऑफ द मून सर द प्लेस वाज कॉल्ड नारी शक्ति सर होपफुली दिस बिल
will bring Shiv Shakti. So hopefully this bill will bring Nari Shakti into our parliament and hopefully lead to better decision making and better policy making in our governance structure. Sir, every time I go to different places in Odisha for political work, sir, and I interact with women sarpanches, women block pramukhs and JP members, I ask myself, has the representation of women, the reservation for women in the PRI system led to better development outcomes at the grassroots? Has it led to better investment for women, for issues concerning women? And sir, the answer I found is an emphatic yes. Sir, I found that women in the PRI, in the Panchayati Raj systems and urban local bodies have been making very meaningful contributions. And also, sir, the concern which has been raised in many quarters that men are acting as proxies for women in the urban local bodies and the PRIs has been found to be baseless, sir. Women empowerment is not a slogan but a non-negotiable code for us. Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, jo bill upare alochana hochi. India Today Group re gatakali publish heichi je Odisha hochi Nari Shakti Bandhan ra sabutu agare. एथिपाई मु गर्व अनुभव करे स्वर्गत बिजु पटनायक जे की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थिले ओडिसा रो से गोटे कथा कहिथिले सेटा बोधवे समस्त हृदय को छुईबो जे मनटा छोट कले जातिटा छोट हो जाए सेथिपाई से प्रथम करी ओडिसा होची एभली राज्य जे प्रथमे 1992 मसिया रे 33 भाग स्थान संरक्षण करथिला महिलांक पई पंचायत राज विधि व्यवस्था भितर एवं 33 भाग महिला सेतबेले निर्वाचित हेके आसथिले तांकर पुओ सुयोग्य पुत्र मोर नेता माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मो दलर सभापति सेवा काहे कि पछै जिवे तेनु से मध्य तांक पितांक पदांक अनुसरण करथिले एवं से मध्य जानिथिले जे कोठी ना कोठी जो जाति जते आगु को बढ़िवो तापी महिला मानकर सशक्त होबार आवश्यकता अछि जदि महिला सशक्त नै से जाति से समाज से राज्य से देश केबे आगो को बढ़ी पारिबो नै तेनु से आगो को बढ़ी 2011 रे पंचायत राज निर्वाचन रे कोहुल भाबरे 50 भाग महिला निर्वाचित हेइ पारिबे सेति पई से नियम करथिले एवं 2012 मसिया रे पुणी बदले देथिले पुणी आउरे गोटे नियम करथिले जे अर्बन लोकल बॉडी माने सहरांचल रे महानगर निगम हो किमा एनएससी हो को भली भाबरे महिलाटे आगो को आसीबो ता पे मध्य 50 भाग स्थान संरक्षण करथिले जहा पई आजि ओडिसा रे तीनोटी महानगर निगम रे दुई जण महिला अछंती ये होची बिजू जनता दल रो महिला मानक पई प्रतिबद्धता फ्रॉम 2014 टू 2023 9 इयर्स हु स्टॉप यू टू ब्रिंगिंग दिस बिल आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वेदर ही इज वेटेड फॉर दिस न्यू बिल्डिंग टू इंट्रोड्यूस दिस बिल इफ देयर एनी वास्तु इश्यू वाज देयर इन दैट बिल्डिंग Is there? Otherwise, if there is a good muhurta, is there for 2023 for this bill? You lost 9.5 years. Now you are telling we are going to implement this 2029.